भाई बहन के प्रेम के प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन की धूम बाजारों में खूब नजर आ रही है। एक और जहां दुकानों पर सुंदर सुंदर राखियां सजी हुई हैं, तो वहीं मिठाइयों की दुकान पर मिठाइयों की भरमार है। इस अवसर पर जेवर के घेवर की खास डिमांड रहती है, जिसके चलते चौराहे पर अनेकों दुकानें ऐसी हैं जो घेवर से सजी हुई नजर आ रही हैं। जेवर प्रेस की टीम ने आज रक्षाबंधन के खास मौके पर लोगों से बात की। पहले तो जेवर क्षेत्र वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं सबको। सर यहां पे एक तो ताजा मिठाई है, घेवर भी ताजा है, सामने ही बन रहा है, और सर अच्छी क्वालिटी है और रेट भी ठीक है। सर सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की बात हो और जेवर के घेवर का जिक्र ना हो, ये बात थोड़ी सी बेमानी लगती है। तो जेवर के मार्केट पूरी तरह से, जो खास तौर से मिठाई से संबंधित होता है, जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो सब घेवर से सजाए जा चुके हैं और लोग घेवर की मिठाई से जो इस वक्त शॉपिंग करते हैं मोस्टली घेवर की ही शॉपिंग करते हैं। चाचा घेवर, आप जेवर का घेवर खाते हैं, क्या कहेंगे जेवर के? यानी बहुत ही अच्छा घेवर है, जेवर का, जेवर का इतना अच्छा घेवर और कहीं नहीं है आज। और आपने किस किस जगह के घेवर अभी देखे हैं और जेवर के घेवर में क्या खास लगता है आपको? जेवर का ऐसा घेवर यानी कहीं का है ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, बहुत घेवर खाए, बहुत घेवर खाए मैंने देखो, परंतु जेवर कैसा घेवर नहीं है। तो जेवर के घेवर की, जैसा कि नाम भी मैच करता है जेवर और घेवर का, लेकिन वाकई में क्वालिटी है जेवर के घेवर में। भाई साहब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? खुर्जा। खुर्जा से। जेवर का घेवर कुछ खास है या खुर्जा के घेवर में कुछ खास है? मैंने खुर्जा खाया, आज जेवर का खाया ना आज तक। अच्छा, आप खुर्जा से हैं? खुर्जा। तो आपको क्या लगता है खुर्जा का घेवर खास होता है या जेवर का घेवर खास? ऐसा कुछ नहीं है, जाकर अपने 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 जगह की बात होती है। तो भाई साहब का अपना अलग नजरिया है, जो पिछले काफी समय से इन दुकानों के लिए घेवर तैयार कर रहे हैं। भैया मेरे साथ हैं, भैया जेवर के घेवर की बात चल रही है, क्या कहोगे? जेवर का पानी बहुत अच्छा है, जिससे घेवर अच्छा बनता है। अच्छा, क्वालिटी अच्छी बनाते हैं, बढ़िया घी लगाते हैं और प्रसिद्ध है, जावल ऋषि की मेहरबानी है। अच्छा, ऋषि राज जो जावल ऋषि है उनका आशीर्वाद है जेवर, उसकी वजह से घेवर बहुत अच्छा बनता है। आप कितने समय से घेवर बना रहे हैं? मुझे जी कम से कम 28 साल हो चुके जेवर बनाते बनाते जी। अच्छा, मैंने कई दुकानदारों से और लोगों से बात की थी कि भाई जेवर का घेवर खास है, तो कारण क्या है, किस चीज़ से बढ़िया बनता है घेवर? घेवर कुछ बनाने से भी बनता है, यहाँ के जो कारीगर हैं ना उनका जस जो है अच्छा लगा हुआ है। अच्छा, और कुछ पानी की भी वजह है, बाहर के जो क्षेत्र में वो कारीगर नहीं बना सके। अच्छा, कारीगर की बात। तो ये कारीगर हैं भैया जो घेवर का काम करते हैं, अंदर मार्केट में चलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि जेवर के घेवर को लेकर और रक्षाबंधन को लेकर उनकी क्या राय है, कैसा बीत रहा है उनका त्यौहार। अच्छा, घेवर बिक रहा है इस वक्त, कैसा मार्केट में कैसा चल रहा है इस वक्त त्यौहार? बढ़िया चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है त्यौहार। अच्छा, इस त्यौहार पर घेवर की खास डिमांड होती है जी, क्या कारण है? कारण परंपरा चली आ रही है। अच्छा, पहले से ही। अच्छा, तो जेवर के घेवर की अगर बात करें, जेवर का घेवर कुछ खास है या सब जगह घेवर एक जैसा ही बनता है? खास है, तभी तो बिकता है। खास क्या खास है जेवर के घेवर में? खास है जो पुराने लोगों से चली आ रही है हमारी, जो उसी के उसमें कुछ तो है खास। चारों तरफ रक्षाबंधन की धूम है, मिठाइयों का, खास तौर से घेवर का, चारों तरफ आप देख सकते हैं भरमार दिखाई दे रही है। इसी के चलते बीकानेर मिष्ठान भंडार कुछ ना कुछ खास करता है हर बार त्यौहार पर। इस बार अंदर चलेंगे, बात करेंगे प्रोप्राइटर से कि क्या उन्होंने इस बार रक्षाबंधन पर खास रखा है।
मिठाई बहुत ही ताज़ी मिलती है हमेशा इनके पास, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना माल मिले, ऐसा नहीं है, ताज़ी मिठाई मिलती है यहाँ पे। और टेस्ट वगैरह की बात करें तो टेस्ट अच्छे हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे डोसा, आपका ब्रेड पकौड़े वगैरह, चाट, फुल्की वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। घेवर यहाँ पे आप टेस्ट करके देखिए, घेवर भी काफ़ी अच्छा है और बाकी मिठाइयाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, मतलब संतोषजनक, क्या मतलब बहुत पूर्णतः संतोषजनक है। तो दोस्तों, बीकानेर मिष्ठान भंडार पर इस वक्त रक्षाबंधन की धूम है। घेवर की क्वालिटी है, घेवर के अलावा मिठाइयों की अनेक क्वालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। राहुल भाई, रक्षाबंधन पर इस बार क्या खास रखा है आपने हमारे क्षेत्रवासियों के लिए? पहले तो जेवर क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मैं सबको। और हमारे पास घेवर कई क्वालिटी के, दो तीन तरह के, मतलब सादा भी है, नॉर्मल भी है, देसी का भी है। किस क्या 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 अंतर क्या है घेवर में लगभग? एक सादा घी का है, एक देसी घी का है, मतलब प्लेन भी है। अच्छा। और रबड़ी वाले भी है। अच्छा। जो मावा लगाया जाता है, मावा लगाते हैं घेवर में? बिल्कुल, मावा ही लगाते हैं, शुद्ध मावा लगाते हैं। बिल्कुल शुद्ध मावा। इसके अलावा और क्या क्या चीज रखी है आपने रक्षाबंधन पे? ड्राई फ्रूट की बर्फी है, बंगाली है, मिठाई है, देसी घी की है, जैसे मूंग दाल बर्फी है, उड़द दाल की पिन्नी है, ऐसे कई सारी आइटम है। मतलब छप्पन भोग के लिए भी यहाँ पर आइटम चाहिए तो भी मिल जाएगा। अच्छा, छप्पन भोग के लिए भी अगर आपको आइटम तैयार करना है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। खास तौर पर जेवर में घेवर की धूम रहती है तो घेवर की भी अनेक वैरायटी क्वालिटी यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन पर नमकीन अगर आपको चाहिए, नमकीन खाना चाहिए कुछ भी, तो उसके लिए लोगों को थोड़ा सर्च करना पड़ता है। तो नमकीन की व्यवस्था कुछ रखी है आपने, नमकीन चीजों की? बिल्कुल, क्या क्या चीज़ में डोसा है, चाउमीन है, बर्गर है, टिक्की है, सिली बटाटो है, ये सब मिलता है कंटिन्यू। अच्छा, रेट की अगर हम बात करें तो रेट आपके जेवर की मिठाइयों के मुकाबले कोई महंगे रहते हैं या कैसे? नहीं, महंगे नहीं, मीडियम ही है हमारे रेट तो, लगभग 320, 340, 380 ऐसी रेट है बर्फी की। जेवर में 100 रुपये किलो भी घेवर मिल रहा है, तुम्हारे यहाँ 100 रुपये किलो वाला घेवर तो नहीं है कहीं? नहीं, 100 रुपये किलो वाला नहीं है, वो तो चीनी वाला मिलता है जो फेंक के तोड़े तो भी ना टूटे। अच्छा। हाँ। तो डोसा वगैरह जो नमकीन खाना होता है वो भी सब यहाँ उपलब्ध है। तो आप रक्षाबंधन पर यदि जेवर में हैं और आप एक बढ़िया स्टे चाह रहे हैं कहीं पर बैठने का, तो बढ़िया ये बीकानेर मिष्ठान भंडार टप्पल रोड पर है, आप एक बार यहाँ अगर विजिट करें आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा।